अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हम हमारी कविता माझा भारत यानी मेरा भारत इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। माझा भारत, माझा भारत, ऊन चांदने झुड़ू झुड़ू आरा, इथे जड़ाची पावन धारा, ऊंच डगा होनी इथले पर्वत, माझा भारत, माझा भारत। प्यारे बच्चों, कविता के इन पंक्तियों में हमारे भारत के कुदरती चीज़ों का जिक्र किया गया है, यानी यहाँ की सूरज की धूप, चांद, तारे, सितारे और यहाँ की ताज़ा फ्रेश हवा, यहाँ बहते हुए पानी की साफ़ सुथरी लहरें हैं, यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, यानी यहाँ के पहाड़ बादलों से भी ऊँचे दिखाई देते हैं और हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों से जाकर मिल रहे हैं। अंधरा तिल दीपक होई, सुख शांति ची वाट दाखवी, जगा औड़े याची संगत, माझा भारत, माझा भारत। प्यारे बच्चों, इस अशार में भारत के लोगों के बारे में मालूमात दी गई है कि हमारे मुल्क के लोग इतने मददफुल, इतने हमदर्द होते हैं कि अगर कोई परेशान वो तकलीफ़ में दिखाई दे तो उनकी मदद करते हैं। अंधरा तिल यानी अंधेरे, अब यहाँ अंधेरे से मुराद परेशानी वो तकलीफ़ का है, हर एक को अमन वो सुख और शांति का रास्ता दिखाता है। दुनिया को हमारे भारत का साथ बहुत पसंद आता है, मेरा भारत, मेरा भारत। माया करी तो सकलावर्ती, अम्हा देत से अनेक नाती, अपुल की ची अमूल दौलत, माझा भारत, माझा भारत। माया, माया यानी प्यारे, यानी हमारा भारत सबसे प्यार करता है और हमको देता है कई रिश्ते, यानी हम किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है तो हमारे और उनके दरमियान में एक मिलनसारी, मोहब्बत व अपनायत का रिश्ता पैदा हो जाता है। अपुल की ची यानी अपनेपन का, इस तरह हमें अपनेपन की एक कीमती दौलत मिलती है, मेरा भारत, मेरा भारत। मंगल गीते याची गाइन, सेवे साटी तत्पर राहिन, याच्या पाई वाहिन जीवित, माझा भारत, माझा भारत। मंगल गीते यानी खुशी के गीत, हमारे भारत में खुशी के गीत गाओ और खुशियाँ मनाओ। भारत की खिदमत वो मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। याचा पाई यानी इसके पैरों में, यानी भारत के पैरों में इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, मेरा भारत, मेरा भारत।